प्रॉपर स्टार्ट हो गई भाई। हाँ पहले हेडलाइन देख लो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आ जाए यामाहा जो कि प्रेजेंट है आपका राजा हाट में यामाहा ब्लू स्क्वायर, और इनका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं जो FZS V4 की न्यू वेरिएंट आई है 2024 की। जैसा आप ये वाली देख लो भाई, कंप्लीट मैट ब्लैक सेटअप में इसका पूरा बॉडी वगैरह, एंड इसमें गोल्ड के टेक्स्चर्स वगैरह दिए हुए हैं। इनफैक्ट सबसे आपको अलॉयज तो पूरे विजिबल हो ही रहे होंगे, गोल्डन कलर्स में आपको अलॉय वगैरह दिया हुआ है। साथ साथ इसका जो लोगो आप देख रहे हो FZS का, एक पूरा गोल्ड कलर में, एंड इनके जो ग्राफिक है ये गोल्ड एंड ब्लैक कलर में आपको दिया हुआ वर्जन 4 वगैरह। और एक और चीज़ आपने नोटिस करना कि ये जो आपके क्रोम बॉडी रहती थी इसे डिक्रोम करके ब्लैक कलर में दिया हुआ, जो कि बहुत अच्छा लुक लग रहा है। अगर सच बात एक बताऊं तो ये वाला जो पहले हमें क्रोम मिलता था ना, कुछ कहीं कहीं जगह पे मतलब कि वो थोड़ा सा चीप लगता था, थोड़ा सा ऑड लगता था, लेकिन ये जो ब्लैक कलर आया है ना मैट ब्लैक के साथ, ये जो क्रोम हटा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। खैर इसके बारे में आप लोग बताना, और आज हम लोग इस पर कम्प्लीट इसका रिव्यू शूट करने वाले जो 2024 की आपकी BS6 TS2 BS7 जिसे हम लोग कहते हैं E20 एंड OBD2 के साथ जो FZI है उसका कम्प्लीट हम लोग रिव्यू देंगे। तो चलो इसका वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सुबह स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट, पहले आपको भाई इसका हेडलैम्प एंड इंडिकेटर्स वगैरह दिखाते हैं। इंडिकेटर्स तो हमें पता है भाई, जो LED इसमें न्यू इंस्टॉल कर दिए गए थे, एंड देखने में बहुत ही तगड़े लगते हैं ये वाला जो इनका शेप है। बाकी टोटली रीडिज़ाइन होकर इसका फ्रंट फेस आया था, जैसा आप लोग वगैरह देख रहे हो कम्प्लीट DRLs वगैरह का, एंड वाइट LED कम्प्लीट। इसका जो लाइट का थ्रो है वो भी बहुत ही सही है। मैट ब्लैक सेटअप में ये पूरा पोर्शन प्रेजेंट किया हुआ है आपको, ये जितना आपको यामाहा का एक लोगो दिख जाएगा। और साइड में यहाँ पे भी ये पैनल देखोगे तो ये भी आपका मैट ब्लैक सेटअप में मिल रहा है। जेन्युइनली मैं बोलूँगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा वीडियो, एक एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये सारे पोर्शन भी बताने ज़रूरी है क्योंकि मैट ब्लैक में ये सारे हैं। और इंडिकेटर्स तो आप लोगों को दिखा LED पे, आपको टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए इसमें, कंप्लीट आप टेलीस्कोपिक फोक देख लो, जिनमें यामाहा का एक स्टिकर वगैरह आपको दिख जाएगा दोनों साइड में, इस साइड पे एंड इस साइड पे। बाकी कंप्लीट मैट ब्लैक सेटअप का, आपको कंप्लीट मैट ब्लैक सेटअप में फ्रंट फेंडर है आपको प्रोवाइड किया हुआ। बाकी हम लोग आते हैं इसके ब्रेक वगैरह पे, तो ब्रेक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, बाइब्रेक कैलिपर्स वगैरह, और ABS जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट में मिलेगा। ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट ब्रेक की डायमीटर की बात करें तो अराउंड 282 mm का, एंड रेयर का आपका 220 mm का। बाकी ABS अगर आप लोग कहोगे तो पीछे में तो आपको एक दिखा देते हैं, ये वाला आप जो रिम देख रहे हो इसे ABS रिम मत समझना, ये जस्ट एज अ सेंसर के तौर पे यूज़ होता है। बाकी ABS प्रॉपर आपको फ्रंट ब्रेक पे, आपको 100x80 का टायर्स है, 17 inches का एलॉय व्हील है, कम्प्लीट गोल्ड कलर में एलॉय व्हील, C8 जूम का टायर। और बाकी इस साइड से आप एलॉय का प्रॉपर डिज़ाइन आप देख लो, गोल्डन कलर में ना ब्लैक के साथ गोल्डन कलर बहुत ही सही लगता है भाई। बाकी हैंडल की अगर बात करें, कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल हमें प्रोवाइड हो रहा है, जो चलाने में समझो बहुत ही फन टू राइड लगता है। क्लच काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पास लाइट हो गया, हाई बिन रो बिन राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गए, किल स्विच इग्निशन हो गया, एंड ब्रेक के लीवर्स भी काफ़ी सही है, मिरर्स भी बहुत अच्छा व्यू देते हैं। इनफैक्ट MT का प्रॉपर आपको मीटर प्रोवाइड हो रहा है, जैसे देखो हाई बॉडी लिखा के आएगा। और आपको ब्लूटूथ के लिए जैसा ऐप वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, बाकी रियल टाइम एवरेज वगैरह, इनफैक्ट ट्रैक्शन भी, तो इतने कम CC बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है जो आपको इंडिकेट करेगा। जस्ट अभी देखो ट्रैक्शन इसका ऑन है, लॉन्ग प्रेस करती है, अगर ये ऑफ होगा तो आप यहाँ पे एक आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका ट्रैक्शन ऑफ है। बाकी इंजन का लाइट हो गया, ABS का लाइट हो गया, एंड बाकी RPM वगैरह कंप्लीट है, यामाहा का बैचिंग वगैरह, इनफैक्ट समझो पूरा नेगेटिव डिस्प्ले में इसका मीटर है, एंड हैंडल भी प्रॉपर तगड़ा आपको दिया हुआ है भाई, मतलब कट वट मारो बहुत ही लाइट हैंडल एंड बहुत ही लाइट फील करोगे भाई इस पर आप। सो भाई ये था कंप्लीट इसके हैंडल सेटअप वगैरह, और इसमें थोड़ा सा फ्यूल है नहीं, लेकिन कोई नहीं, आपको एक और मशीन है, हम लोग उसका एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देंगे। हालांकि अब बात करेंगे टैंक की, तो अराउंड 13 liters का टैंक कैपेसिटी है, और टैंक भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। आपको तो मैंने लोगो दिखाया यामाहा का, एक लोगो आपको इस साइड भी, डिक्रोम वगैरह जो मैं आपको दिखा रहा था, E20 का स्टिकर दिख जाएगा, ब्लू कोर का स्टिकर दिख जाएगा। और इस साइड से आप देखोगे टैंक का प्रॉपर आपको विथ वगैरह कंप्लीट जो शेप है प्रॉपर आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा बल्कि टैंक है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगती है नो डाउट।
इसके माइलेज की अगर बात करें तो अराउंड अराउंड आप समझ जाओ 40 प्लस माइलेज आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप लोग ये वाली ओन करते हो FZS पुरानी वाली V3 या फिर V4 पहले वाली, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका माइलेज कितना है। हालांकि ये 2024 का न्यू कलर है, जैसे इसका शेप, जैसे इसके कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह आप देख रहे हो। और मैट ब्लैक सेटअप में पूरा टैंक, मैट ब्लैक सेटअप में पूरा ये वाला पैनल वगैरह, ऑल ऑफ दीज आर मैट ब्लैक। बस ये वाला आपको थोड़ा सिल्वर में मिल जाता है। एक आइडिया मैं दूंगा, अगर आप लोग मॉडिफाई वगैरह करते हो ये पार्ट को खुलवा के आप लोग कंप्लीट ब्लैक करवा लोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा भाई, नो डाउट। बाकी इंजन कंप्लीट ब्लैक में, आपको कैट कैन एंड ऑटो सेंसर वगैरह प्रॉपर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इंजन की बात करें, अराउंड 149 cc का इंजन है, एयर कूल 4 स्ट्रोक SOSC 2 वाल्व। पावर की बात करें तो 12.4 PS का पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क हमें मिल जाता है। एंड इनफैक्ट इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो ब्लूटूथ वगैरह आप लोग कनेक्ट करके, जैसा आपका समझ जाओ ऐप का फंक्शन हो गया, मैसेज अलर्ट वगैरह हो गया, सब कुछ आपको बताएगा, एक्सेप्ट द टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो आपको नहीं बताएगा। और वो सारा ब्लूटूथ वगैरह का आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं आपको ऑन कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैसेज वगैरह अलर्ट, कॉल अलर्ट वगैरह प्रॉपर आपको इंडिकेट करेगा। मतलब कि समझो इस वाले डिस्प्ले में बस आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ दे रहा है। एंड ये देखो की में भी आज सच कुछ चेंज नहीं है, बस इसके कॉस्मेटिक यानी कि कलर में चेंज है। और E20 एंड OBD2 सेटअप आया ही था। चलो अब इसके थोड़े बहुत डाइमेंशंस की बात करें तो सीट अगर देखोगे, सीट कंप्लीट आपको स्ट्रेट सीट सिंगल सीट प्रोवाइड होता है, जो कि अच्छा खासा कुशन्ड है। और इनके डायमेंशन की बात करें तो अराउंड 790 mm का सीट हाइट है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 136 kg की मशीन है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है इस पर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी दिया हुआ है। एंड इनफैक्ट जो एग्जॉस्ट नोट है कंप्लीट, ये भी आपको ब्लैक कलर में दिया हुआ है। ये प्रॉपर इसके कवर देख लो, ये मफल जो लगा हुआ है कंप्लीट प्रॉपर आपको ब्लैक कलर में। और सस्पेंशन की बात करें रेयर का, तो मोनोशॉक सस्पेंशन है, इनफैक्ट वो भी आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है। मतलब कि ऑल ब्लैक सेटअप है इसका, एक्सेप्ट द अलॉय व्हील्स एंड लोगो, जो कि आपको गोल्ड के टेक्सचर में। बाकी चलो एक बार टेल लाइट भी दिखाई देते हैं आपको, टेल लाइट भी इसका टेल जो है कंप्लीट LED हो गया था, एंड LED इंडिकेटर्स वगैरह। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें आप लोग ज़रूर बताना, इनका लुक कैसा आ रहा है प्रॉपर। ये जो पोर्शन है बहुत खूबसूरत लगता है, इनफैक्ट ये भी मैट ब्लैक टचअप के साथ। एंड जो ग्रैब हैंडल्स है ये भी आपका मैट ब्लैक। और चलो अब रेयर टायर भी आपको दिखाते हैं भाई। तो ये साड़ी गेज हो गया, रेयर हगर हो गया। रेयर टायर की बात करें, C8 जूम का रेयर टायर 100x40x60 का 17 इंचेस का प्रॉपर एलॉय व्हील एंड गोल्डन कलर का एलॉय व्हील। बाकी फुटपैक्स की अगर बात करें तो रेयर के फुटपैक आपके लॉक हो जाएंगे, फुटपैक ये वाला कंप्लीट आपको ब्लैक में दिया हुआ है। एंड इनफैक्ट ये चेसी से ही अटैच है, बाकी ये आपका स्प्रिंग में दिया हुआ है भाई। और इस साइड से देखोगे तो इस साइड से डिस्क वगैरह तो आपको दिख ही रहा है, जिनका डायमेंशन हम लोगों ने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। एंड ABS के बारे में बताया कि ABS बस फ्रंट में, रियर में आपको कोई ऐसा ABS वगैरह नहीं है। तो भाई ये था इसका कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू वगैरह। बाकी अगर आप लोग को बताएं कि इसका आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली अगर आप लोग बाइक स्टार्ट कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे हो अपने बाइकिंग करियर का, या आप लोग कॉलेज स्टूडेंट वगैरह और बाइक कभी परचेस नहीं किया हो, देन यू शुड गो विद दिस बाइक, क्योंकि भाई इसमें सब कुछ है। लुक वगैरह इसका बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें ब्लूटूथ वगैरह भी दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी दिया हुआ है फीचर्स के मामले में। एंड इनफैक्ट बहुत ही इजी टू हैंडल है। माइलेज की अगर बात करें तो भाई माइलेज भी बहुत ही दमदार देती है, इनफैक्ट समझ जाओ कि आपके पूरे पैसे वसूल ये वाली मशीन है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका हम लोग को एक शोरूम प्राइस बताया गया, अगर आप लोग को परचेज करना है तो ये आपको शोरूम आपका मैं एड्रेस वगैरह दे दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग आराम से आके परचेज कर लो। 130,600 इसका एक शोरूम प्राइस है। बाकी ऑन रोड जानने के लिए आप लोग को नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट करना। चलो वीडियो हम लोग करेंगे अब एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। एंड चलो बाय बाय।